हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। इसके अलावा जितने भी पीजीटी के सब्जेक्ट हैं उनके कुछ वीडियोस आ चुके हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे जल्द ही। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। अगर उसकी वीडियो अपलोडेड नहीं है तो वो भी हम आप लोग के लिए जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का टॉपिक वाइज सिलेबस की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है। सबसे पहले पोस्ट देखें कितनी है कॉमर्स की। तो कॉमर्स की टोटल 140 पोस्ट है, जिसमें से आपकी 58 है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 14 है, 37 है आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10, 2 है आपकी ओएच के लिए, वीआई के लिए 1 है और एचआई के लिए 2 और अदर्स के लिए 1। तो टोटल आपकी 140 पोस्ट है कॉमर्स के लिए। अगर आप एएमआरएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डेट 31 जुलाई है, फटाफट से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहती है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपने डिटेल शेयर करके अपना नाम, सिटी और एग्ज़ाम का नाम लिख के आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल टीचिंग कोर्सेज नीड्स। तो आपको यहाँ पर लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस या फिर अगर आप सिर्फ घर पर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, बाय कॉरियर के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। और नोट्स ऑर्डर करने के लिए हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स आप ऑर्डर करके अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो अपनी शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को। तो पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी में क्या है। अकाउंटेंसी में आपका दिया गया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसका मीनिंग, एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, यूजर्स कौन हैं अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, और अकाउंटिंग का क्या रोल है बिजनेस में, ये आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंटिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग, लाइबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स में भी नॉन करंट, करंट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल, गुड्स, सर्विस, डेबिटर, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब आपको यहाँ पर बेसिक्स जो आपका अकाउंटिंग का आता है वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा कवर करना है। फिर आपके पास थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी में आपको क्या करना है, फंडामेंटल अकाउंटिंग के बारे में, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है, जीएपी ये कंसेप्ट आपको करना है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट्स, रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मैटरिटी की एंड ऑब्जेक्टिविटी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अप्लाइकेबिलिटी क्या है इन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैसे हम उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो वाउचर एंड ट्रांजेक्शन्स, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच, मीनिंग एनालिसिस, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री जो आपकी है वो आपको कवर करनी है, स्पेशल पर्पज बुक, कैश बुक में जैसे सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक्स, परचेज बुक आपको यहाँ पर कवर करना है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, जर्नल प्रॉपर, और लेजर में लेजर का फॉर्मेट, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट बैलेंस, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की नीड क्या है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, ये आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपका आता है डेप्रिशिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में, तो डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, नीड, कॉज, फैक्टर्स क्या हैं।
उसी तरीके से अदर जो सिमिलर टर्म्स हैं जैसे कि डेप्लिशन एंड एमोर्टिसेशन, मेथड्स क्या हैं डेप्रिशिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम SLM बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV ये कवर करना है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन में, चार्जिंग टू असेस्ड अकाउंट, ये आपको पूरा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में कवर करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं जैसे कि क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट ले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ असेट, ये आप कवर करेंगे। ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ रिजर्व जैसे कि रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया आपका, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ये आपको कवर करना है। फिर कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट फिर अपना टॉपिक आता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। सो ट्रायल बैलेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड उसका मीनिंग और प्रिपरेशन, एरर में टाइप एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल्स एंड कंपनसेटिंग, उसका इफेक्ट्स क्या है ट्रायल बैलेंस पे, डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये कवर करना है। नेक्स्ट फिर आपका आता है FA पार्ट 2, फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कवर करेंगे, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको यहां पर कवर करना है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रिपरेशन, बैलेंस शीट आप कवर करेंगे। बैलेंस शीट में आपका क्या क्या है, नीड क्या है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, मार्शलिंग ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्कोर, आउटस्टैंडिंग, आपका जो आउटस्टैंडिंग एसेट है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम, इनकम जो भी रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिशिएशन, बैड डेप्ट कैसे दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, एबनॉर्मल लॉस, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, स्टाफ वेलफेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन, ये कवर करेंगे। इसके बाद है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट, तो वो आपको यहां पर कवर करना है जो भी हमारे बिजनेस टाइप्स हैं। उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग। तो जब अकाउंटिंग करते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, HUF के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, अलग अलग आपको यहाँ पर कवर करना है। तो पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इंडियन पार्टनरशिप के क्या प्रोविजन है एक्ट 1932 के तहत, इन द एब्सेंस ऑफ अगर प्रोप्राइटरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट के बारे में, प्रिपरेशन कैसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पर, फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स कैसे होगा, गारंटी क्या है प्रॉफिट्स की, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होंगे रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, गुडविल क्या होता है, उसका मीनिंग, नेचर, नीड फैक्टर अफेक्टिंग, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए कवर करना है। फिर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन को लेकर, तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट कवर करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अफेक्ट क्या होगा, अफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26, ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल, करंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाती है, तो उस केस में क्या रहेगा, तो इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट कैसे होगा गुडविल का, फिर ट्रीटमेंट फॉर रीएवेल्युएशन ऑफ असेसमेंट, फिर से रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, लॉस का, रिजर्व्स का, या फिर इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल, करंट अकाउंट्स, बैलेंस शीट, लोन, और उसके रिटायरिंग पार्टनर के लिए कैसे अकाउंट बनेगा,
कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डिसीज पार्टनर के शेयर की प्रॉफिट की कितना टिल्ट है, डेट कितना प्रॉफिट था, प्रिपरेशन कैसे होगा डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट्स के बारे में। नेक्स्ट है फिर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म को जब डिसोल्व करना है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या समझते हैं आप इससे, कितने टाइप्स के डिसोल्यूशन होते हैं फर्म में, सेटलमेंट कैसे करेंगे फिर आप अकाउंट की, कैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट या अदर रिलेटेड अकाउंट्स को बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, कैश बुक अकाउंट कैसे आप बनाएंगे, वो सब आपको यहाँ कवर करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स के बारे में, कि फीचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, शेयर एंड शेयर कैपिटल नेचर, उसके टाइप्स, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल्स में जैसे इशू क्या है, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंसेस शेयर है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, इशू एट पर एंड एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस एरियर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉइज में स्टॉक ऑप्शन प्लान जिसको हम बोलते हैं, स्वेच इंक इक्विटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फोर्टिफाई एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, ये आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका डिबेंचर्स के बारे में, कि डिबेंचर्स की आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, डिबेंचर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे कितने टाइप्स होते हैं, इश्यूज कैसे करते हैं डिबेंचर्स एट पार, एट ए प्रीमियम और एट ए डिस्काउंटेड इशू ऑफ डिबेंचर कैसे होता है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी कंसेप्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, राइटिंग ऑफ क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ ए डिबेंचर, ये आपको यहाँ पर पूरा कवर करना है। उसके बाद आ जाता है आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ आपको कवर करना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये आप कवर करेंगे। उसके बाद टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे कि कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो फ्लो, यहाँ पर ये कवर करेंगे आप रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियो में इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो क्या होता है। सोलवेंसी रेशियो में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये क्या होते हैं। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, नेट असेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सब आप यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट हो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका मीनिंग क्या है, अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रिपरेशन, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। फिर उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस स्टडीज में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस क्या मीनिंग है, फीचर्स क्या है, इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉरपोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, पोजिशन ऑफ इंडिया सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर आगे बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कंसेप्ट है ये आपका, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री में भी फिर क्या टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब के मीनिंग क्या है, सब ग्रुप क्या है, कॉमर्स में फिर आपके इंटरनल एक्सटर्नल होलसेल रिटेल, ये आपको पूरा कवर करना है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मीनिंग क्या है इसका, बिजनेस रिस्क क्या है, ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर कवर करना बिजनेस में। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपकी जितने भी फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर के सिप में पूरा कवर करेंगे, उसका कंसेप्ट, उसके मैरिट्स, डीमैरिट्स हो गया, पार्टनरशिप में भी अगेन उसके टाइप्स, मैरिट्स, डीमैरिट्स, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टाइप्स क्या है पार्टनरशिप के,
फिर आपका HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, उसका कंसेप्ट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस और मेरिट्स क्या हैं, कंपनी क्या होती है उसका कंसेप्ट, मेरिट और डीमेरिट्स उसकी भी पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी स्टेज क्या है, इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, और चॉइस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यहाँ पर कवर होता है। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस फिर आपको डिस्कस करना है कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरस्टैंडिंग, स्टेटूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस फीचर, पब्लिक प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप, ये पूरा कंसेप्ट आपको कवर करना है। बिजनेस सर्विसेज में, बिजनेस सर्विसेज मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग एंड करंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग मीनिंग, टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस में प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स में लाइफ, हेल्थ, फायर, मेरीन इंश्योरेंस, इसका कंसेप्ट, पोस्टल सर्विसेज के बारे में, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्शल, स्पीड पोस्ट, कोरियर मीनिंग, वो सब आपको कवर करना है। अमेजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में ई बिजनेस, कंसेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स के बारे में। उसके बाद है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसको हम SR बेसिकली कि क्या आप करने वाले हो, बिजनेस एथिक्स के बारे में, तो कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स ओनर क्या है, इन्वेस्टर्स की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंज्यूमर की तरफ, एम्प्लॉय की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, कम्युनिटी की तरफ आपका क्या रोल रहेगा, और रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है और एलिमेंट्स क्या है, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस का कंसेप्ट क्या है, ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, बोरोवर फंड, डिबेंचर, बॉन्ड्स और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में कवर करेंगे। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज में, एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ED जिसको हम बोलते हैं, उसके कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड क्या है, प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, किस तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड बाई MSME एक्ट के तहत क्या है, रोल क्या है स्मॉल बिजनेस का इंडिया में विद स्पेसिफिक टू रूरल एरिया में क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड एजेंसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या है, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज आपको कवर करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में अगेन इसका मीनिंग, इसके टाइप्स, जो भी सर्विस है रेंडर्ड बाय होलसेलर और रिटेलर, टाइप ऑफ रिटेलर ट्रेड जो है आपका, वो आपको यहाँ पर कवर करना है, आइटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल जो आपका फिक्स्ड शॉप होती है रिटेलर्स, उसके बारे में, लार्ज स्केल पे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, चेन स्टोर है, या कंसेप्ट ऑफ जहाँ पर GST आ गया, कंसेप्ट एंड की, उसके फीचर्स क्या है, वो आपको कवर करने हैं। इसी तरीके से इंटरनल ट्रेड पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो इसमें कंसेप्ट एंड बेनिफिट, एक्सपोर्ट ट्रेड इसका मीनिंग क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसी तरीके से इम्पोर्ट ट्रेड का मीनिंग, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, डॉक्यूमेंट्स में को लेकर, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड रिसिप्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपका पूरा हो गया। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में अगेन द कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंस, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, मैनेजमेंट एंड साइंस, मैनेजमेंट आर्ट, प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट फंक्शन में आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये पूरा आपको कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस कवर करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, फ्यूल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है एंड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को आपको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद आपका आता है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट, इसके इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक्स को लेकर, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट और उसके फीचर्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है प्लानिंग, प्लानिंग का कंसेप्ट, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग प्रोसेस कैसे होता है, सिंगल यूज एंड स्टैंडर्ड जो आपके प्लान्स है वो आपको कवर करने, स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट और प्रोग्राम्स कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल कंसेप्ट,
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, इसका कंसेप्ट, डेलीगेशन का कंसेप्ट क्या है, एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ये आपको कवर करना है. स्टाफिंग में कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, ठीक है. स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट होता है आपका, तो वो पूरा कैसे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस क्या है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग कैसे देते हैं ऑन जॉब पे, ऑफ जॉब पे, और वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, वो आपको यहाँ पर कवर करना है. नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में अगेन कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के उसमें मोटिवेशन, मार्शलो हायरार्की ऑफ नीड आपको पढ़नी है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप कंसेप्ट, स्टाइल, ऑथोरेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर फेरी, ये सारे आपको लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं. कम्युनिकेशन में कंसेप्ट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर, ये आपको डायरेक्टिंग में पूरा करना है. उसके बाद आपका आ गया कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में इसका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो कवर करेंगे. फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट के, फिनेंशियल डिसीजन जैसे कि इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल डिविडेंड, मीनिंग और फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग में कंसेप्ट आ जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस. देन फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, कंसेप्ट, फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या क्या कंसेप्ट है, फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट को. फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का भी अगेन कंसेप्ट हो गया आपका, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज, इसके फंक्शन और ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके फंक्शंस आपको कवर करने हैं. मार्केटिंग में आते हैं तो मार्केटिंग में अगेन कंसेप्ट, फंक्शंस, फिलोसफीज क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इसका कंसेप्ट, प्राइस को लेकर क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं प्राइस को, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे जो चैनल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, प्रमोशन के बारे में आप पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, ये आपको यहाँ पर कवर करना है. उसके बाद आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 करेंगे, मीनिंग क्या है कंज्यूमर का, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन, रिड्रेसल मशीनरी आपकी आ गई, ठीक है, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है, रोल ऑफ जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGO का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, ये भी आपको कवर करना है. तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पूरा का पूरा PGT कॉमर्स का सिलेबस जो आपको तैयार करना है. अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल है अप टू डेटेड सिलेबस के साथ, तो आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं. और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल अकेडमी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोनों पर लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड आईफोन के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, और आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर. आई होप आपको अपने सारे सिलेबस के जवाब जो है यहाँ पर मिल गए होंगे.